हेलो जी, मैं हूँ दानिश और सीन्स कुछ ऐसे हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर फूलों के रंग ना होते तो क्या ये फूल फिर भी हमें अच्छे लगते हैं? वैसे रंगों के नाम कौन कौन से होते हैं? रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, छह होते हैं। और अगर आप किसी लड़की से पूछेंगे वो आपको छह नहीं बताएगी, 600 बताएगी। अब हम अपने कुछ भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों से रंगों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। रंगों के बारे में आपके पास क्या मालूमात है वकास? रंगों का नाम सुन के मुझे उसके बदलते रंग याद आ गए। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। चलें अब हम अपने एक और दोस्त अमार से पूछते हैं। अमार, आपका क्या कहना है रंगों के बारे में? रंगों से याद आया, वो भी मेरे साथ शॉपिंग पे जाया करती थी, रंग बिरंगे कपड़े लिया करती थी, लेकिन मेरा वॉलेट खाली हो जाया करता था। हमारी यूथ का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। चलें अब हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इनके क्या ख्याल आते हैं रंगों के बारे में। जी सर, आप बताएं। बेटा, मेरी जिंदगी के रंग तो अपने साथ ही ले गई, अब तो बेरंग सी जिंदगी है बेटा, मुझे नहीं मालूम इन रंगों के बारे में। लगता किसी को ठीक से रंगों का पता नहीं है, तो क्यों ना हम किसी पेंटर के पास जाएं और उससे पता करें कि रंगों की असल अहमियत क्या है जिंदगी में। आधा घंटा हो गया मैं फहद के घर के बाहर आया खड़ा हूँ, लेकिन भाई जान निकल ही नहीं रहे, समझ से काम बाहर। पर हम आ गए लोकेशन पे, लेकिन अभी इधर कोई आया नहीं है। अभी बस ये ना पेंट अभी खोल रहे हैं। अभी ये पीछे आप देख सकते हो 4-5 बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अभी पेंसिल वगैरह खोल रहे हैं कलर करने के लिए, स्केच बने हुए हैं यहाँ। तो दूसरी लोकेशन है, हम उधर जा रहे हैं। रेलवे रोड पे अब हम जा रहे हैं, उधर देखते हैं उधर क्या हालात चल रहे हैं। तो मैं आज अपना कैमरा लाया हूँ। ये फहद भाई अपना कैमरा लाए हैं, आपको मुबारक हो। तो अभी यहाँ अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपना जरा हाथ साफ करें, तो दो चार पेंटिंग हम खुद, दो चार बाजू कोई अपने हाथों से बनाए सर करके अपने शहर में ही बुला सकते हैं। दीवारें आगे दीवारें खराब कर जाएंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको। मेरा नाम साद कुरैशी है और मैं फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। हम लोग एक ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं जो कि शहर की एक बेटरमेंट के लिए, हमारे एक सोशल बेटरमेंट के लिए एक एक्टिविटी है। मेन हमारा मोटिव ये है कि हम वॉल चॉकिंग को ख़त्म करके और वॉल पेंटिंग को हम प्रमोट करें, और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए एक कॉम्पिटिशन अरेंज करवाया है, जिसमें हम ग्रुप्स में आके और हम लोग वॉल चॉकिंग करें। और मेरा सबके लिए एक मैसेज होगा कि वॉल चॉकिंग को ख़त्म करके और वॉल पेंटिंग की तरफ, एक अच्छे टैलेंट की तरफ लोगों को प्रमोट किया जाए। तो दानिश इस टाइम कर रहा है पेंट। ये देखिए, ये इन्होंने कायद आजम की आंखों को क्या कर दी है, ये इन दोनों का कमाल है। इधर देखे, ये इन दो बंदियों का कमाल है, इन्होंने कायद आजम की आंखों को क्या कर दी। भाई ये देखे, ये मांगता, ये सब्सक्राइबर्स भी मांगता है और लोड भी मांगता है लोगों से। नंबर लिखे यार आप। अभी इनके सीन्स कुछ ऐसे हैं और मेरे साथ है जी एक प्यारा सा बच्चा फहद, ये देख सकते हो आप।
बेरोजगारी ये बहुत ही बेरोजगार बच्चे हमारा। हम इधर आए थे वॉल पेंटिंग फेस्टिवल पे, तो इन्होंने हमें कहा हम आपके चैनल का नाम लिख देंगे, तो इन्होंने ये लिखा, इस तरह से लिखा इन्होंने। तो कट 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 कट, इन्होंने कहा हमें लोगो बना दो और हम ना लिख देंगे, लेकिन इस तरह से लिखा है। ये किस भाई ये इस भाई के काम है, ये है वो महान शख्स इसके पीछे जिसका हाथ है। ये मैंने लिखा सारा का सारा। ऐसे करो विक्ट्री। बाबा जी शाल गोल्ड। हमारे साथ है हमारे मुदस्सिर भाई। मुदस्सिर भाई इधर आए, फ्रेम में आए। अच्छा मुदस्सिर भाई, इसमें और क्या खराबी हो सकती है, मजीद और क्या खराब हो सकता है, कुछ ऐसा कर दे कि और मजीद खराब हो जाए। आप इस पे निशान लगा दें, चीटे मार दें, मजीद खराब कर दें इसको, इससे मजीद मतलब हो सकता है। नहीं बहरहाल ये जितना होगा ये काफी है, ये काफी है, ये काफी है।